नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हामिद खान, टीम डायरेक्टर पाथाइस एकेडमी। सीजीपीएससी 2019 में अच्छी अच्छी कहानियां आपके सामने आ रही हैं। सफलता की कहानियों के तौर पर हम लोग बातचीत करते हैं सफल हुए छात्रों से, और उनसे आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो आज हमारे बीच डिप्टी कलेक्टर बन चुके कमल किशोर साथ में हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका, थैंक यू सर। और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ चलिए आइए बात करते हैं। कमल, आपसे बेसिकली मैं एजुकेशनल बैकग्राउंड समझना चाहूंगा, यस और सर। कहाँ से हैं मूलतः आप बताइए जरा। सर, मैं मूलतः ग्राम उजालगुंदी से हूँ, जो जी गुरूर तहसील के अंदर का आता है, जी जिला बालोद। एजुकेशन के बारे में सर, मेरी क्लास 5th तक की स्कूलिंग शिशु मंदिर से हुई थी, अच्छा। एंड देयर आफ्टर 6th to 12th तक रेडियन पब्लिक स्कूल जो माना में स्थित है वहाँ से हुई थी, एंड ग्रेजुएशन मैंने IIT कानपुर से किया है सर। ग्रेट, यस सर। उसके बाद अब मैं तैयारी में लगा रहा हूँ सर। ओके। आईआईटी के बाद आपको लगा नहीं कि मैं जॉब में चला जाऊं, कैंपस प्लेसमेंट हो जाए, इस तरह से कभी दिमाग में नहीं आया? एक्चुअली सर, मेरा झुकाव इस तरह बन चुका था, बन चुका था। सो एक माइंडसेट होता है सर, जी वो जी बना था, इसलिए मैंने फाइनल ईयर से इसकी तैयारी शुरू कर दी शुरू थी। कर दी थी। यस सर। दर्शकों को मैं बता दूं कि कमल ऑलरेडी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, केमिस्ट्री ऑप्शनल रखा था, प्रयास किया उन्होंने, लेकिन जैसा कि हर कैंडिडेट करता है अपनी ओर से, उन्होंने बेस्ट देने की कोशिश की, देन फाइनली ही शिफ्टेड टू सीजीपीएससी। सीजीपीएससी में माइंडसेट कैसे सेट किया आपने? बिकॉज वहां हम क्वालिटी और कॉन्सेप्चुअल स्टडीज करते हैं, यस सर। अचानक सीजीपीएससी में जंप करना, तो वो डिफरेंस कैसे आपने मैनेज किया? एक्चुअली सर, इसमें इस डिफरेंस को मैनेज करने में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सिलेबस ने काफ़ी हेल्प किया था सर। बहुत बढ़िया। तो अकॉर्डिंगली मैंने देखा नेचर किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें डायरेक्ट नेचर के प्रश्न आते हैं सर। सो उस तरह से मैंने नोट्स बनाए एंड उसे रिवाइज किया एंड फाइनली टेस्ट सीरीज दिया था सर। सो इस प्रोसेस से गुजरने के बाद मेन्स में मुझे रिलेटिवली अच्छे मार्क्स मिले हैं सर। बहुत बढ़िया। यस सर। दोस्तों, जितने भी लोग यूपीएससी की तैयारी करके इस फील्ड में आना चाहते हैं आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। और ऑब्वियसली बड़े फॉर्मेट का एग्जाम देने का एक बेनिफिट आपको मिला होगा। आई मीन यस सर। यूपीएससी आपने प्रिपेयर किया, तो उसका बेनिफिट किस तरह से आपको यहाँ मिला? एक्चुअली सर, मैं अपने प्रिपरेशन को बताना चाहूंगा, तो ये दो फेजेस, दो स्टेज में रहे हैं, दो पार्ट्स में इसे एक्सप्लेन करना जी चाहूंगा। जी पहला इंडिया लेवल के कॉन्सेप्ट एंड सेकेंडली छत्तीसगढ़ लेवल के कॉन्सेप्ट। सो इंडिया लेवल के कॉन्सेप्ट पर मुझे बिल्कुल भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। जितने भी इंडियन हिस्ट्री हो गया, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, जी, इकोनॉमिक्स, इवन पेपर 7 जो इंटरनेशनल रिलेशन का रहा है, बहुत ये बढ़िया। कम्प्लीटली यूपीएससी बेस्ड, यूपीएससी के कारण इस पर मुझे उतना समय नहीं देना पड़ा था, सिर्फ रिविजन था एंड फाइनली टेस्ट सीरीज था सर। बहुत सो बढ़िया। 50% प्रिपरेशन में ऑलरेडी अपना मान कर चल रहा था सर। जी। मुझे, चूंकि मैंने कोचिंग नहीं लिया था, तो मुझे छत्तीसगढ़ में काफ़ी दिक्कतें आई थी। मैंने बहुत सारे दोस्त बिलासपुर में जो बने थे जी। उनसे मैंने कांटेक्ट किया, उनके जरिए जो बेस्ट बुक्स, रेफरेंस बुक्स अवेलेबल है मार्केट जी में, जी उनका पता लगाया। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर, सिलेबस के आधार पर एक सेपरेट नोट्स छत्तीसगढ़ पोर्शन के लिए बनाया था सर, जी जी एंड उसका उनका रिवीजन कंटिन्यूअसली मैं कर रहा था सर। तो जी जी इस तरह से मेरा रहा है सर। जी जी पाथाइस एकेडमी में आपने दो दो मेन्स टेस्ट सीरीज लिखे यस हैं, सर। तो क्या आपको उसका सपोर्ट सिस्टम मिला? किस तरह का आपको बेनिफिट मिला? बिकॉज इंग्लिश मीडियम में वी आर दी ओनली वन यस सर। सर्विंग टू द कैंडिडेट्स फॉर इंग्लिश मीडियम, तो क्या आपको बेनिफिट्स मिले उसके? सर, सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपका जो जो फीडबैक होता है सर, जी। वो था, क्योंकि मैं अपनी गलतियों को उससे पहचान पाया। जी अब गलतियां पहचाननी होती है तो सर, हम एक बार पहचान ले तो वो गलतियां दोबारा नहीं होती सर। जी जी सो इससे हमें अपने मार्क्स इंप्रूव करने में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। ये एक बेनिफिट रहा है सर। सेकेंडली सर, जो राइटिंग स्पीड है जी। उसमें मुझे काफ़ी मदद मिली सर, क्योंकि सर तीन 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 घंटे के हमें दो पेपर्स देने होते हैं, जी जी एंड ये काफ़ी मुश्किल होता है इन केस हमारी राइटिंग स्पीड उतनी अच्छी नहीं है, एंड मुझे यूपीएससी में मेंस लिखने का मौका नहीं मिल पाया था, जी तो जी उसका प्रैक्टिस भी मुझे नहीं था। इतने सारे टेस्ट सीरीज 36 के राउंड रहे हैं सर, प्रीवियस 2019 में, इवन बाद में बढ़ा भी बाद दिया में गया जी था। जी यस सर। तो इतने मेंस लिखने के बाद मेरी राइटिंग स्पीड काफ़ी अच्छी हो गई थी, तो जी मैं कम समय तो नहीं कहना चाहिए, फिर भी समयबद्ध तरीके से मैं अपने पेपर्स को कंप्लीट कर पाया था सर। बहुत बढ़िया। यस सर। देखिए दोस्तों, ये बेनिफिट मिलता है आप प्रैक्टिस करें, जैसे क्रिकेट में हम नेट प्रैक्टिस की बात करते हैं, हर प्रैक्टिस का कोई ना कोई बेनिफिट तो मिलेगा, उसे आप किस तरह से लेते हैं ये आप पर डिपेंड करता है उसका बेनिफिट लेना।
साथ ही साथ हमने मॉडल आंसर्स भी दिए, क्या कभी यस वो रिवीजन में आपको हेल्प किए? सर, बिल्कुल सर, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे थे जो जिससे मैं अनटच्ड रहा है अपने प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि मेरे जो सोर्सेस है वो लिमिटेड रहे हैं। जी इवन कुछ कुछ ऐसे थे जो मुझे सेटिस्फैक्टरी नहीं लगे थे, फिर जी भी लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से मुझे रिफर करने पड़ गए थे। जी जी सो आपके मॉडल आंसर से मैंने अपने नोट्स को और ज़्यादा इनरिच किया जी एंड उसे रिविजन में लाया था सर। तो इस बहुत तरह बढ़िया से मेरा प्रिपरेशन और बेहतर हुआ है जी सर। जी किन पेपर्स में आपको 100 से कम मिले? आई मीन 7 पेपर्स में से कोई एक पेपर सर 6 पेपर में 100+ मिले हैं सर, 100+ है? एंड 99.5 पेपर सेवन। अच्छा, पेपर सेवन है। यस सर। ऐसे के बारे में मैं थोड़ी सी स्ट्रैटेजी समझना चाहूंगा, उसमें कितने मार्क्स आए और क्या किया सर आपने? इसमें मेरा 116 आया है सर। ग्रेट, बहुत बढ़िया। उसके स्ट्रेटजी में सर मैंने बेसिकली हर हफ्ते 2 ऐसे लिखने का टारगेट सेट किया था, बहुत बढ़िया। एंड एंड टॉपिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी थे सर, और साथ ही कुछ कुछ कोचिंग्स ऐसे हैं जो टॉपिक्स डालते रहते हैं अपने फेसबुक पेज पे, तो उससे मुझे टॉपिक्स का एक बार आइडिया लग गया था सर। सो उस पर मैं कंटेंट खुद से लिखता था लेकिन परफेक्ट नहीं लिख पाता था, यह है। तो कंटेंट्स की कमी रहती थी तो मैं इंटरनेट या फिर दोस्तों से या फिर बहुत सारे दूसरे सोर्सेज जहाँ पर मैं फैक्ट कलेक्ट कर सकूँ और नए पॉइंट्स डाइवर्सिटी लाने का कोशिश मैंने बहुत किया था सर, बहुत बढ़िया। क्योंकि डाइवर्सिटी से मुझे लगता है इसी में ज़्यादा मार्क्स लाए जा सकते हैं, तो मैं इंटरनेट का इसमें काफ़ी प्रयोग किया था सर। बहुत बढ़िया। इसके अलावा जो साल भर का जो प्रोसेस था, यस उसमें सर। आपने पहले से जो कलेक्शन करना था, तो वो उनके लिए क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आपने पहले से कलेक्ट कर रखा था ऐसे के लिए? फैक्ट्स एंड फिगर मोस्टली सर जो प्रीलिम्स के लिए जो हम पढ़ते हैं, और इकोनॉमिक सर्वे, ये 2 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। जो नई नई योजनाएं आ रही थी सर उससे संबंधित फैक्ट्स मैंने न्यूज़पेपर के माध्यम से कलेक्ट किया था सर। ओके ओके ओके। यस सर। और एग्जाम हॉल में स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग कोई थी? लाइक 45 मिनट्स आपको एक ऐसे के लिए मिल रहा है, यस तो सर। क्या आपने स्ट्रक्चर बनाया कि बिल्कुल कुछ? सर, हाँ बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल। एक्चुअली मैंने शुरुआत के 30 30 मिनट्स मैंने सेट किया था, लेकिन जो प्लानिंग होती है वो जी 45 मिनट्स तक चला गया, तो जी टाइम जी मेरा थोड़ा गड़बड़ा गया था। लेकिन उसके बाद एक बार स्ट्रक्चर तैयार हो गया, फिर हमें सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती सर। जी पॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उस पर कंटेंट बस हमें डेवलप करना होता है। जी जी सो शुरुआत के 3 एसेज काफ़ी अच्छे मेरे गए थे। जो फाइनल एसे था उसमें थोड़ा लास्ट एसे में सर टाइम की थोड़ी कमी पड़ गई थी, लेकिन मैंने उसे काफ़ी स्पीडली लिखा था तो वो भी मैनेज हो गया था सर। तो ये पैराग्राफ फॉर्म में लिखा आपने, पॉइंट वाइज बुलेट फॉर्म, कैसे आपने इस्तेमाल सर किया मैं उसको? पैराग्राफ में ही लिखना पसंद करता हूँ, क्योंकि बुलेट पॉइंट्स में एक बुलेट पॉइंट खत्म हो गया फिर सोचना वाला एक दिक्कत आ जाती है सर, लेकिन आप पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो कंटिन्यूटी बनी रहती है और आप जी कंटिन्यूअसली लिखते चले जाते हैं, जी और खासकर यहाँ पर आप 750 वर्ड्स पे लिख रहे हैं, तो मुझे लगता है पैराग्राफ वाला मेरे लिए ज़्यादा वर्क किया है सर। ओके दोस्तों, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ और हर इंटरव्यू में ये इस तरह की बातें निकल कर आती हैं कि कोई पैराग्राफ में लिख रहा है, कोई बुलेट वाइज। सो अगेन डिपेंड करता है कि आपने प्रैक्टिस कैसे की है, आपकी सोच। चूंकि कमल यूपीएससी पढ़कर आए हैं, तो ऑब्वियसली यूपीएससी का बच्चा ज्यादातर पैराग्राफ में लिखना पसंद करता है। अगेन चॉइस इज योर्स, आपको क्या करना है, कोई रूल नहीं है एज सच। यस आप सर। अपना कंफर्ट जोन देखिएगा, क्योंकि मॉडल बहुत सारे हैं पास होने के। आपको ये देखना है कि आपकी प्रैक्टिस किस तरह से है। उसमें चार्ट एंड टेबल्स का भी इस्तेमाल लोग करते हैं, आपने भी किया ऐसे राइटिंग में? नो सर, चार्ट्स एंड टेबल्स बेसिकली हमारी राइटिंग स्पीड को स्लो कर देती है स्लो सर, कर तो ये देती है। मेरा बड़ी बड़ी वजह थी, इसलिए मैंने मोस्टली पैराग्राफ में इवन जो फैक्ट्स एंड फिगर्स थे उसे सेंटेंसेस में कंप्लीट किया था सर, तो चार्ट्स का एज सच मैंने प्रयोग नहीं किया है। ओके। आंसर राइटिंग में जब लाइक अदर जीएस की बात करें, पेपर 3 ऑनवर्ड 7 तक की बात यस करें, सर। तो उस वक्त आपकी प्लानिंग क्या रही? लाइक एग्जाम हॉल में 175 वर्ड्स वाले पहले करूं, देन 125, क्या यस सर, प्लान? यस सर। ये एक मैंने एक स्ट्रेटजी में मैंने शामिल किया था। सबसे पहले मैं पीछे से स्टार्ट किया करता था, क्योंकि हम शुरू में रिलैक्स्ड होकर लिखते हैं, एंड मेरा फोकस था कि जो बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन है उससे ज़्यादा मार्क्स खींचे जाएं, तो उसके लिए खासकर जो एसे की स्ट्रेटजी थी सर, प्लानिंग का, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉइंट्स उसमें डेवलप करते हैं, तो मैं 15 मार्क्स एंड 15 मार्क्स वाले एंड 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो सेक्शन 4 के होते हैं उसके भी पॉइंट्स पहले डेवलप कर लिया करता था ग्रेट। सर, ताकि उसमें एक स्ट्रक्चर्ड आंसर मैं लिख सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उसमें खींच सकूं। सो 15 10 8 इस तरह से मैंने पीछे गया था सर। इनफैक्ट 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए थोड़ा समय कम पड़ा था मेरे लिए, लेकिन उसमें टू द पॉइंट हमें लिखना होता है, इसलिए फटाफट स्पीड बढ़ाते हुए
मैंने सभी क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट किए थे सर। बहुत बढ़िया। यस और उस दौरान भी कोई प्लानिंग हो रही थी आपकी, लाइक कि इस आंसर का खाखा मैं खींच लेता हूँ पहले फिर लिखूं, ऐसा भी कुछ कर सर, रहे थे ये 15 और 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन में मैं करता वैसा था। किया? हाँ जो ऐसे में मेरी स्ट्रेटेजी रही है इसमें भी रहा था सर। बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल्स या फिगर्स कोट कर पाए थे आप आंसर्स में, मेंस के यस सर, आंसर्स जहाँ में? पर भी पॉसिबल हो मैंने प्रयास किया था सर, खासकर जी इकोनॉमिक्स के पेपर में जहाँ इकोनॉमिक सर्वे के फैक्ट्स एंड जी फिगर्स काम आते हैं जी वहाँ पर मैंने बिल्कुल कोट किया था सर। ओके। आप यूपीएससी में ऑलरेडी इंडियन जीएस पढ़कर आए थे, इंडियन इकोनॉमी पढ़कर आए थे, उसका बेनिफिट ऑब्वियसली आपको मिला होगा यस छत्तीसगढ़ सर, के पेपर में, पेपर 5 में। यस सर, यस सर। मैंने इकोनॉमिक्स के लिए सच कुछ अलग प्रिपरेशन नहीं की थी क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो वही थे सर, सिर्फ इंडियन सॉरी छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे वही मेरे लिए एक नया था सर, एंड बजट, ओके। सो मैंने वही पढ़ा था एंड रिविजन सर फाइनली। ओके। पढ़ने के दौरान डेली का जो शेड्यूल था उसमें रिवीजन को कितनी अहमियत आपने दी, या ओवरऑल हफ्ते में रिवीजन, महीने में रिवीजन, कैसे आपका प्लान था? सर मेरे पास छत्तीसगढ़ के नोट्स नहीं थे सर, तो जैसे ही मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, प्रीलिम्स क्लियर नहीं सर, जैसे प्रीलिम्स मैंने दिया था आठ आठ फरवरी को 2020, उसके बाद से मैं मेट्स के नोट्स बनाने में लग गया था सर, और ये प्रोसेस तकरीबन अगस्त तक चला था सर। अच्छा। यस सर, तो मैं डेडिकेट होकर सिर्फ और सिर्फ नोट्स ही बनाने में लगा हुआ था क्योंकि मुझे लगा था दिस दिस विल लीड टू सक्सेस। ग्रेट। सो अगस्त के बाद ही मेरी दो स्ट्रेटेजी रही हैं, पहला जो मॉर्निंग का स्लॉट रहता था मैं हर दिन उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करता था जी 3 या 4 सर, जो जी और बड़े वाले क्वेश्चन जो 8 और 10 मार्क्स के होते हैं, एंड सेकेंड हाफ में सर मैंने एक रिविजन का भी प्लान तैयार किया था बहुत बढ़िया। जिसमें मैं पॉइंट्स और टॉपिक्स ऑलरेडी डिसाइड कर दिया रहता था कि जी ये टॉपिक्स मैं करूंगा उस दिन, तो उसको उसी दिन कंप्लीट करना होता था। तो ओके। इस तरह से मेरी प्लानिंग रही है सर, रिविजन भी साथ हो रहा था एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी, और जैसे ही आपका टेस्ट सीरीज शुरू होता था सर मैं टेस्ट सीरीज भी साथ साथ दे रहा था सर। तो डेली बेसिस पर आप खुद से भी बिल्कुल आंसर्स सर, लिख रहे बिल्कुल थे? सर, यस सर, देखिए बहुत बढ़िया दोस्तों। देखिए प्रैक्टिस की हम बात कर रहे हैं शुरू से, और मेंस हो चाहे प्रीलिम्स की बात हो, यदि आप खुद से भी आंसर लिखते हैं, बहुत सारे छात्र आप में से ऐसे भी हैं जो वेट कर रहे होते हैं कि कोई क्वेश्चन हमें देगा तब हम लिखेंगे, यस सर, जबकि आप देख पा रहे हैं कि कमल ने खुद से लिखना शुरू किया। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स हैं उनसे भी आप उदाहरण लेते हैं, या उनको ही लिखकर देख लीजिए तो आपकी प्रैक्टिस वैसे भी हो जाती है। पेपर 6 को लेकर कोई स्पेशल प्लान किया था? बिकॉज फिलोसफी, पबैड एंड जब हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं, ये तीनों ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स हैं जो यूपीएससी में हम लोग ऑप्शनल में पढ़ा करते हैं, यस सर, उसके लिए कोई स्पेशल प्लान किया था आपने? यस सर, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो ये टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट्स रहे हैं सर मेरे लिए, तो इनके लिए सेकेंडली कंटेंट मुझे मार्केट में भी अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे, मतलब रिलायबल सोर्स मुझे नहीं मिले थे, फिर भी जहाँ तक मुझे मिल पाया मैंने इनके नोट्स बनाए थे, एंड सर इनके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने देखा था तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के रहे हैं सर, जी तो जो सिलेबस में रहा है मैंने प्रयास किया है वही चीज़ें मेरे नोट्स में हो ओके। एंड टू द पॉइंट मैं आंसर लिखूं, एंड इसमें एक दिक्कत और यह भी आती है सर कि कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे हमने शार्डर कुछ पढ़ा हुआ है तो उसमें एक दूसरे फिलोसोफर हैं, फिलोसोफर। हाँ। इसका कॉन्सेप्ट हम उसमें फिट कर देते हैं, तो ये दिक्कत आई थी सर, खासकर जब मैं जो डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन जी किया करता था, जी तो उसके लिए मैंने सोचा सर रिविजन जितना टाइम ज्यादा होगा तब जाकर ये चीजें पकड़ में आएगी, इसलिए मैंने उस फिलोसफी एंड सोशियोलॉजी खासकर इन दोनों में रिविजन बहुत ज्यादा किया था सर, तो ओवरऑल ये भी मेरा ठीक ही गया था सर। तो रिवीजन का तरीका क्या था, आप लिखकर या पढ़ते थे, जस्ट क्या था तरीका आप यस सर, एक्चुअली मैं लिखने को ज्यादा बेहतर प्रेफर तरीका करते हैं? मानता हूँ सर, क्योंकि ये एक तरह से रैंकिंग प्रैक्टिस भी ले आता है, स्पीड जो है वो भी ले आती है, और लिखने से मुझे लगता है वो ज्यादा समय तक हमारे दिमाग में रहता है, उसे बहुत हम बढ़िया इजिली रिकॉल कर पाते हैं, जी, इजी वर्ड्स में हम उसे एग्जिबिट कर पाते हैं सर, बहुत बढ़िया सो राइटिंग लिखकर ही मैं प्रैक्टिस किया जी करता जी था। दोस्तों हम स्ट्रैटेजी पर बात तो कर ही रहे हैं, रिवीजन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इस एग्जामिनेशन का। पढ़े कम, रिवीजन ज्यादा करें, अक्सर मैं कहता हूं। और अगेन लिख कर, बिकॉज एक बार आपने प्रैक्टिस किया, ब्रेन में प्रिंट हो गया, दोबारा आपने लिखा, फिर तिबारा, तो ऐसे कई बार आप लिखते हैं और ऑब्वियसली वो प्रिंट होता जाता है, और यही चीजें एग्जाम हॉल में रिकॉल करती हैं। तो मेरा मानना है लिख कर आप याद करें, जो बहुत सारे छात्र आप पूछते भी हैं मुझसे कि सर याद कैसे करें, तो मुझे लगता है ग्रेजुअली वो चीजें याद होती हैं बार बार पढ़ने के बाद। यस सर, ओके। इसके अलावा जो प्रीलिम्स की बात करें, तो प्रीलिम्स अच्छा खासा लोगों को परेशान करता है, बिकॉज मोस्टली इट्स ऑल अबाउट फैक्ट्स। यस सर, वो आपने उसको कैसे मैनेज किया? सर मैंने जून 2019 में अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी जी एंड फरवरी 2020 में मेरा प्रीलिम्स प्रिलिम्स होना था, था। तो जी इन इस लंबे समय में सर मेरा पूरा फोकस प्रिलिम्स पर ही था सर, जी क्योंकि इंडिया लेवल की चीजें मेरे हाथ में थी तो उस पर मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा था, जी
कुछ रिलायबल बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं जी सर, जी उसका उसे मैंने अपने पास उसे खरीदा था, उसके जी नोट्स बनाए थे एंड कंटिन्यूअसली उसको रिवाइज कर रहा था जी ताकि जी फैक्ट्स कुछ भी मिस ना हो। जी जी एंड जब ये चीज़ें कंफर्म हो गई तो मैंने टेस्ट सीरीज लगाया था एंड इंडिया लेवल की चीज़ें भी मैं रिवाइज कर रहा था सर। बहुत वेल, बढ़िया। मेरा ज़्यादातर मार्क्स इंडिया लेवल के क्वेश्चन से ही मैंने खींचे हैं, छत्तीसगढ़ का उतना अच्छा नहीं बना था, फिर भी मेरे 127 मार्क्स आए थे सर इसमें। हाँ, बहुत बढ़िया तो ओवरऑल मेरा काफ़ी अच्छा रहा है सर। जी। इंटरव्यू में क्या किस तरह के सवाल किए गए और बोर्ड किन का था आपका? सर सुप्रीत लाल साहू सर का जी बोर्ड था मेरा। सर क्वेश्चन मेरे करंट अफेयर्स से पूछा गया था सर, और साथ जी ही साथ मेरे बायोडाटा से भी पूछा गया था। साइकिलिंग की खोज किसने की थी ये पूछा गया था। अच्छा, साइकिलिंग आप कितने हॉबी है कितना हाँ साइकिलिंग। यस सर मैंने किया हाँ था सर। हाँ तो साइकिलिंग आप कितने घंटे चला सकते हैं या कितनी दूर तक आप चला सकते हैं ये पूछा गया था। आपका गांव कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया था। इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं ये पूछा गया था। कास्ट सर्टिफिकेट, तो इन सब चीज़ों का मुझे इतना नॉलेज नहीं था इसलिए जी मैंने जी नो सर इसमें जवाब देना पड़ा। जी इसके अलावा तालिबान से क्वेश्चन आया था सर, जी कृषि कानून पर आया था सर, यदि आपका आदिवासी क्षेत्र में डीसी के तौर पर पोस्टिंग हो जाती है तो आप किस तरह से वहाँ ओवरऑल डेवलपमेंट जी करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था सर। एंड सर व्यंजनों से भी कुछ कुछ पूछा गया था अच्छा, सर। लोकल जो होंगे। यस सर, ठेठरी कुर्मी वो हाँ सब सर। हाँ ओके। वन सो इंटरव्यू में मार्क्स आपको वन जीरो जीरो सिक्स वन वन एट जीरो सिक्स जी, तो 200 देख पा रहे हैं, 106 कम नहीं है। जैसा अभी हम कुछ देर पहले कमल से बातचीत कर रहे थे, तो मैंने कहा कि 105 लास्ट ईयर 18 के यदि इंटरव्यू की बात करें तो वो हाईएस्ट मार्क्स था उस टाइम पीरियड में। तो सर। और भी अच्छा आप करते हैं, एवरी टाइम आपको कुछ ना कुछ बढ़िया करना होता है। और इसके अलावा कोई ऐसी चीज जो इंटरव्यू में आपकी खास रही कि सर ये क्वेश्चन मेरा सबसे शानदार रहा जिसकी वजह से मुझे 106 मिला, ऐसा कोई कोई क्वेश्चन? यस सर, कृषि कानून पर जो क्वेश्चन बने थे सर जी उस पर मैंने काफ़ी मुझे लगता है सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया था। और खासकर ये भी पूछा गया था कि टेक्निकल से आप एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों आना चाहते हैं, तो इसका भी मुझे लगता है काफ़ी सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया था सर। ठीक है। तो कुछ बता पाएंगे क्या रीजन दिया होगा आपने, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर्स ट्राई करते हैं इस एग्जाम को, तो आपका क्या आंसर था? सर इसका सबसे पहला आंसर तो मैंने दिया था सर कि इसमें डाइवर्सिटी होती है, हमें डाइवर्सिटी ऑफ रोल प्ले करने का मौका मिलता है। गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हमारी पोस्टिंग हो जाती है अलग अलग जगहों पर, सो अलग अलग रोल में हमें अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती है जी सर। जी सेकेंडली सर हमें ये नए अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध करवाती है कि हम अपने पर्सनालिटी को और डेवलप कर सकें सर। एंड थर्डली सर ये स्किल डेवलपमेंट में हमारी काफ़ी मदद करती है, बहुत मैनेजमेंट बढ़िया। स्किल्स एंड इसके साथ ही और भी दूसरे स्किल्स हैं जो हम सीखते हैं। एंड सोशल प्रेस्टीज एक लास्ट चीज़ें मैंने कही थी सर, तो इस तरह से मैंने आंसर दिया था सर। ओवरऑल इस तरह से यस सर ओके। आपका जो निवास स्थान है वो ग्रामीण क्षेत्र में है, यस सर एग्जैक्टली कौन सा गांव आपने बताया? मुजालगुंदी सर। मुजालगुंदी। तो उस एरिया में क्या अच्छे स्कूल्स कॉलेजेस हैं अभी? नो सर, एज सच नहीं है। चारमा जो कांकेर जिला के अंतर्गत आता है वहाँ पर कॉलेज है, लेकिन एज सच कोई पॉपुलर नहीं है। मोस्टली जो अच्छे कॉलेजेस हैं बिलाई दुर्ग एंड रायपुर में स्थित है सर, सो हम भी यहाँ इधर ही आते हैं सर पढ़ाई इनफैक्ट करने पढ़ाई करने के लिए सर। कमल, अब चूंकि अब आप डिप्टी कलेक्टर बन गए हैं, तो कोई ऐसा रिफॉर्म लाना चाहेंगे सोसाइटी में जो वाकई आने वाली पीढ़ियों को मदद करे, यस क्या सर सोचते हैं ऐसा? सर मुझे लगता है सर यदि एजुकेशन सिस्टम को हम बेहतर बनाएं जी तो यह एक तरह से सोसाइटी में ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देगा। एंड सेकेंडली सर हमें महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए सर, तो इससे भी एक तरह से सोसाइटी ज़्यादा तेज गति से प्रगति करेगा सर। प्रगति है, बहुत एंड सेकेंडली बढ़िया। सर मैं आदिवासी समाज से रहा हूँ, तो एक उसमें शराब एक बहुत बड़ा इशू रहता है सर, जी तो मुझे लगता है इस दिशा में भी हमें काम करना चाहिए। मैं काम करने का प्रयास करूंगा बहुत इस पर, बढ़िया। लोगों में जागरूकता फैलाने का, इनके से भी बैन हो सके तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन हाँ, उससे तो बढ़िया बात हो नहीं हो सकती। ही नहीं जी सकती जी सर, जी तो इन तीनों फील्ड में अपना फोकस रखूंगा सर। बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, स्थान छोटा हो या बड़ा इससे मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप करना क्या चाहते हैं लाइफ में और स्टेप बाय स्टेप आप कैसे आगे बढ़ते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फैमिली में मम्मी ने ज्यादा पुश किया या पापा ने पुश किया इस फील्ड में आने के लिए? मम्मी मुझे काफ़ी इंस्पायर करती थी सर, जी जी पापा भी थे लेकिन मम्मी का एक खास रोल रहा है। जी जी वो मेरे परिवार में भी काफ़ी लोग, काफ़ी तो नहीं सर लेकिन है जो पब्लिक सर्विसेज में हैं, तो उनसे जी मम्मी काफ़ी प्रेरित रही हैं, बहुत बढ़िया सो उन्हें लगता था कि मैं भी इस फील्ड में कुछ कर सकता हूँ, इसलिए वो जी, प्रेरित करते रहते बेटा एक बार ट्राई कर लो करके, बहुत बढ़िया तो मैंने ट्राई किया था सर इसी। बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, होता यही है कि
कहीं से भी इंस्पिरेशन मिले आप उसको पकड़ कर आगे बढ़ जाएं, और बस हिम्मत करते जाइए, धैर्य रखिए और आगे बढ़ते जाएं। इसमें कोई मूल मंत्र जैसी कोई चीज है तो जरूर मैं चाहूंगा कि स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, बिकॉज एक बड़ा क्राउड है जो इस तैयारी में लगा हुआ है, कई बार हम पेशेंस नहीं रख पाते हैं। आपकी जर्नी मेरे ख्याल से 4 to 5 years की हो चुकी है ना। तो देखिए दोस्तों, 5 साल के बाद आपको डिप्टी कलेक्टर के पद पर दिख रहे हैं, तो 5 साल के पहले की जर्नी भी देखिए आप। केवल पद मत देखिए कि डीसी रैंक मिल गई है, उसके पहले भी आपको देखना चाहिए कि वो जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई उसकी, और कितनी मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ते गए। तो कुछ आप कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को इस बारे में? सर, इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो हार्डवर्क है, जी उसके बिना तो हम इसमें सफलता हासिल नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही मैं और भी बहुत चीज़ों को मानता हूँ जो होना चाहिए हमारे अंदर, या हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने का प्रयास करना चाहिए, जिसमें पेशेंस है, बहुत बढ़िया। कंसिस्टेंसी है, डिटर्मिनेशन है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं मानता हूँ सर, स्ट्रैटेजी। क्योंकि स्ट्रैटेजी बेहतर नहीं होगी तो हम सफल नहीं हो पाएंगे सर। और बहुत खासकर अभी बढ़िया। सिर्फ मेहनत ही पर्याप्त नहीं है सर आज की सिचुएशन, आज के सिनेरियो में। तो स्ट्रेटजी हम जितनी बेहतर बनाएंगे उतना ही हम अपने सफल होने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं सर। बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए, एक सफल कैंडिडेट का जब मैसेज आपको मिलता है कि किस तरह से उन्होंने छोटी 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 मेहनत करते हुए आगे बढ़े, और असफलताओं को भी देखा उन्होंने और फाइनली तब जाकर सफल हुए हैं, तो इसलिए दोस्तों असफल होना भी आ, 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 आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्टेप होता है, कि जब आप असफल होते हैं तो नया कुछ सीखते हैं ऑब्वियसली। तो इन सारी चीजों को आप गांठ बांध लीजिए और जरूर कामयाबी की ओर आप आगे बढ़े अपनी पूरी मेहनत लगन के साथ। ओवरऑल इंग्लिश मीडियम के लिए पाथ को किस तरह से देखते हैं आप? सर, इंग्लिश मीडियम के लिए पाथ ने काफ़ी जी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है मेरे प्रिपरेशन में, जी खासकर टेस्ट सीरीज जो मैंने जी पहले जिक्र किया जी है। जी टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही, टेस्ट सीरीज ही अल्टीमेटली मुझे लगता है सर हमें सक्सेस तक पहुंचाता है, क्योंकि पहुंचाता है। मेंस का बहुत बड़ा रोल होता है सिलेक्शन जी में। जी इनकेस जी डिप्टी कलेक्टर नहीं भी मिल पाता, फिर भी मेंस में यदि मार्क्स नहीं है तो आप कोई भी पद एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है जो मैंने टेस्ट सीरीज यहाँ लगाए थे वो काफ़ी हेल्पफुल रही है। जो फीडबैक्स मुझे मिले थे, रिविजन मैंने जो किया बहुत था बढ़िया, वो ओवरऑल मेरी प्रिपरेशन को और एक नेक्स्ट नए लेवल डायमेंशन में। पर बहुत पहुंचाने का प्रयास बहुत बढ़िया कोशिश किया है सर। जी। चलिए, कमल को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि कल वो आईएएस बने और यूपीएससी भी ट्राई करें। अब चूंकि डिप्टी कलेक्टर बन चुके यस हैं, सर, और ढेर सारी शुभकामनाएं कमल आने के थैंक यू लिए। सर, बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद। और आप अपने क्षेत्र के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, और जरूर आपको साथ मिलेगा। बहुत सारे युवा इस दिशा में काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ एक अपकमिंग स्टेट है सेंट्रल इंडिया में। छत्तीसगढ़ 20 साल में जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, मुझे लगता है सभी युवाओं का इसमें योगदान है, और यहाँ के पॉलिटिशियंस, एडमिनिस्ट्रेटर्स सभी मिलकर कुछ ना कुछ बेहतर काम कर रहे हैं। और सबसे यस सर, इम्पोर्टेंट, आदिवासी समुदाय जो यहाँ की पहचान है, यहाँ की परंपराओं को जिसने जीवित रखा है, तो चलिए उस समुदाय के लिए भी कुछ बेहतर किया जाए, बेहतर सोचा जाए। यस सर, तो बहुत बहुत थैंक्स थैंक आने यू के लिए सर, कमल, थैंक यू, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।